ममता दीदी ने कहा था कि हम मत्स्य न्याय लागू करेंगे। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि मत्स्य न्याय तो नहीं हुआ, आपकी सिंडिकेट मछुआरा भाइयों की मछली खा लेती है, उससे कम से कम 10 साल में बचाने का आप काम करती। इन्होंने कुछ महीनों के लिए बहुत सारी योजनाएं डिक्लेयर की मगर कुछ नहीं हुआ। मित्रों, आज मैं यहां पर आया हूं तब आप सबको कहना चाहता हूं कि इन्होंने इंटीग्रेटेड तीसरी जोन बनाने की बात करी थी, नहीं हुआ। सुंदरबन को अलग जिला बनाने की बात करी थी, नहीं हुआ। झारखंडी में पर्यटन संरचना बनाने की बात करी थी, नहीं हुआ। और अम्फान के बाद मोदी जी ने जो पैसा भेजा, ये तृणमूल कांग्रेस के गुंडे खा गए, गुंडे खा गए। मैं आज यहां आप सबको कहकर जाता हूं, भाजपा की सरकार बनने के साथ ही अम्फान के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके लिए उच्च स्तरीय जांच कर आपका पैसा खाने वाले सारे लोगों को जेल के हवाले करेंगे। मित्रों, मोदी जी ने 3500 करोड़ रुपया भेजा मगर कुछ नहीं हुआ। मित्रों, टीएमसी का एक ही नारा है, भतीजा बढ़ाओ। भतीजे के कल्याण के अलावे टीएमसी के मन में और कोई कल्याण नहीं। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी का नारा है सबका न्याय, सबका साथ, सबका विकास। मित्रों, ये क्षेत्र के अंदर कई बार चक्रवात आते हैं, तूफान आते हैं। मैं आज यहां कहकर जाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही जीरो कैजुअलिटी टास्क फोर्स इस क्षेत्र के लिए हम बनाएंगे, जो तूफान में एक भी व्यक्ति की जान न जाए, इस प्रकार का हम काम करेंगे। मित्रों, वनाश्रित लोगों को शहद इकट्ठा करने के लिए भी हम कई सारी योजना लाएंगे। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब मेरे कुछ साथियों को याद करना जरूर करता। बंगाल में जो राजनीतिक हिंसा होती है उसमें 130 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे गए। दक्षिण परगना, 24 परगना, हमारे सुशांत हल्दर, डायमंड हर्बर, प्रहलाद विश्वास, पूर्व 24 परगना, सौमित्र घोषाल, मथुरापुर, निर्मल मंडल, दक्षिण 24 परगना, बुबाई धरई, डायमंड हर्बर, देवाशीष मंडल, मथुरापुर, गौतम बात्रा, दक्षिण 24 परगना पूर्व, शकुंतला हरदर, ये ममता दीदी चाहती है, वो मानती है कि किसी को मार देने से भारतीय जनता पार्टी रुक जाएगी। मैं उनको आज कहने आया हूं कि ममता दीदी,